तो गाइस मेरा नाम है हेमंत, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें बिना कहीं मत जाइए। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। ह्यूमन एनाटॉमी आखिर होती क्या है, ये मेरा बहुत सवाल मैंने सुना है। ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब है आपका जो बॉडी में जो टिश्यू है, जो फाइबर्स है, वो सब बन के जो एक पूरा मसल्स ग्रुप बनाते हैं उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे बाइसेप्स है, बाइसेप्स के दो मसल्स हैं, एक लॉन्ग हेड एक मिडल हेड। ये लॉन्ग हेड और मिडल हेड बन के एक पूरा बाइसेप्स बनता है। ये आपका मसल्स है, ये आपके बोन्स के ऊपर एक टिश्यू फाइबर, जैसे मैंने पहले भी बताया, टिश्यू फाइबर सेल्स मिल के जो आपका मसल्स बनाते हैं वो एनाटॉमी कहते हैं। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जिम में जब आप वर्कआउट कर रहे हो, या फिर जिम भी नहीं, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो, आप घर पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपकी मसल ट्रेन होती रहती है। आप रनिंग कर रहे हो, आपकी लेग्स की मसल ट्रेन होगी, तो आपको पता रहना चाहिए कि आपकी रनिंग करते हुए कौन सी मसल हिट हो रही है। या फिर आप जिम की बात करते हैं, जिम में आप चेस्ट की कर रहे हो, तो जब आप चेस्ट की मसल्स ट्रेन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मसल्स को कौन सी एक्सरसाइज के द्वारा आप उसे हिट कर रहे हो। जैसे बेंच प्रेस आपके मिडल ट्रेन होगी। ऐसे ही आपको पता रहना चाहिए कि आप जब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपकी कौन सी मसल्स ट्रेन हो रही है। ये थी सिंपल एनाटॉमी की डेफिनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए।